बाहर माइनस में टेम्परेचर हो चुका है। जय माता रानी का नाम लिया और स्वाहा। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। मैं हिमाचली कपिल और घुमक्कड़ बग्स हम तीनों करने वाले हैं कैंपिंग जय वैली में, जो कि बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सुंदर वैली है। अभी निकलने वाले हैं जस्ट 2 मिनट में। सबकी गाड़ियाँ रेडी है जैसे कि आपने देखा, तो लेट्स गो। पूरा जंगल ही जंगल है गाइज, जंगल में से होके जा रहे हैं और जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे नो नेटवर्क जोन है। चिंता वैली तक तो आ रहा था नेटवर्क, जय वैली तक नेटवर्क नहीं आएगा। तो यार अपने लास्ट व्लॉग में तो देखा ही कैसे हम तीनों चिंता वैली पहुंचे और आज जहाँ जा रहे हैं सुना है वहाँ रात को माइनस में टेम्परेचर जाएगा। अब तो खुदा ही जाने की रात कैसी गुजरेगी। आज स्लीपिंग बैग का रियल टेस्ट होगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो भाई अभी जय वैली एंटर हो चुके हैं। पीछे बोर्ड आया था, मैं कैमरा ऑफ था, ऑन करना भूल गया था। और देखते हैं इस वैली में हमें कौन से लोकेशन मिलते हैं कैंपिंग के लिए। तो आगे जाके वैली आएगी प्रॉपर बहुत सुंदर, तो आई होप हमें बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है। नहीं। तो गाइस ये वैली है जय वैली जहाँ पे हम कैंपिंग करने वाले हैं। बहुत सुंदर लोकेशन है, वहाँ पे डस्टबिन भी है और वॉशरूम्स भी है, पब्लिक वॉशरूम, और अगर बाय चांस बारिश पड़ती है तो शेड भी है। यहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उसके बाद टेंट सेट करने वाले हैं, फिर करेंगे अपना रेस्ट, आराम से एंजॉय करेंगे आज। तो अभी आज टेंट लगने वाला गाइस, और आज मेरा मन था कि टेंट दिखाते हैं आपको। वैसे तो मैं अकेला हूँ, गाड़ी में भी सो सकता हूँ, बट टेंट का अपना ही मजा है। और ये जगह बहुत ठंडी है, अभी से ठंड बहुत लग रही है। भाई देखो सीन ये है कि अभी बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके मैं आपके पास आया हूँ। और मैंने वो सिगड़ी बोलते हैं उसे और अंगीठी भी बोलते हैं, वो मैं लेके आया था ताकि मैं ठंडी जगहों पे अगर ब्यूटेन काम नहीं करता तो उसमें लकड़ी और कोयला डाल के हम खाना भी बना सकते हैं और आग भी सेक सकते हैं। ये अपना टेंट लगा है, वहाँ पे कपिल भाई हीरो की गाड़ी लगी है और बीच में हिमाचली कपिल हीरो की, हमने दोनों ने एक टेंट लगाया है, दीपक भाई ने और मैंने। कपिल भाई है वो कार कैंपिंग ही करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस आज रात का कैसे जाता है कैंपिंग का एक्सपीरियंस, तो बने रहिए एंड तक। तो गाइज ये वो माइनस वाला स्लीपिंग बैग है जो मैं यूज करने वाला हूँ ताकि इतनी ठंड से बच पाऊँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने आज अकेले अंदर कैसे सेटिंग की हुई है। आज मैं फोम वाला गद्दा और वो यूज़ कर रहा हूँ स्लीपिंग बैग, तो ठंड से तो बच सकते हैं। आगे भानु सेटिंग करती है सारी, इस बार मैंने की अपने हिसाब से। इस बार थोड़ी सी स्पेस भी मेरे पास ज़्यादा थी तो साइड में अपने खाने पीने का सामान रख लिया। तो गाइस ये देखो मेरा पूरा सेटअप, बीच में मैंने स्लीपिंग बैग भी छा दिया है, नीचे मेरा गद्दा है। इधर आ जाओ सागर भाई, आप इधर आ जाओ, बैठो बैठो, अपनी अपनी जगह है। ये तो ऐसा लग रहा है हवन कर रहे हैं। हवन करेंगे, हवन करेंगे। जय माता रानी का नाम लिया और ये गया जी साहब स्वाहा।
देखना आप धपड़ का चलेगा जो लकड़ी वैसी सूखी है, बेस में ऑलरेडी जो कोयले वाली लकड़ी है ना वो है, अभी चल जाएगी, रुक जाओ आप। ये जो हमने काटी है मैंने और मनसा ने, ये एकदम जलेगी। लकड़ी जलानी है तो इसको उधर कर दो, लड़की जलानी लड़की क्यों जलाएंगे भाई। तो भाई ये हमारी मनसा बैठी है पंखा लेके, जिसकी हेल्प से ये आग जल पा रही है। यहाँ पे विंड वैसे भी कम है ना। हाँ भाई, इधर तो चल रहा है फोटो शूट और हम देख रहे हैं नज़ारे ले रहे हैं, शॉट्स ले रहे हैं और ठंड बढ़ रही है। बॉन फायर भी हमारी रेडी है, खाने का सिस्टम अभी पनीर टिक्का बनाने वाले हैं मिलके और इन्जॉय करेंगे। आज पार्टी हो रही है, पूरी पार्टी। तो भाई इधर भाभी जी बना रही है मैगी, रिकॉर्ड कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लग रहा है 2-3 डिग्री शायद टेम्परेचर होगा। सबके नेट ऑफ है तो एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं पता लग रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो अभी पनीर टिक्का बना रहे सारे मिलके, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा योगदान है भाभी का जिन्होंने सारा सामान तैयार किया। आज की कहानी उस बहते हुए पानी से भी ज़्यादा सुंदर थी। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में हम बैठे अनजाने से गांव में, कैसे ये अजनबी लोग है बन गए दोस्त इन तारों की छाँव में, क्यों दोपल की खुशी है चेहरे पे खत्म ना हो पल ये हम कह रहे थे। ओढ़ी थी शॉल थी सर्दी माहौल की आड़ में हम सब भी बह रहे थे। नमक तो थोड़ा सा कब मैं पर है सागर भाई, यहाँ पर तो मिलावट चल रही है भैया। क्या गलत बोल रहे हो आप? नहीं नहीं है नमक है, कम है। ये ऊपर का मसाला है ना, देखो ये वाला इस पे है। हाँ तो सही, अच्छा है, अच्छा थोड़ा नमक डालो इस पे। तो भाई सीन ये हो रहा है कि अभी हम सारे अपने अपने टेंट के अंदर आके बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो कि मैंने ये लाइट उठाई हुई है क्योंकि टेंट के अंदर पूरा अंधेरा है। जिस वैली में हम कैंपिंग कर रहे हैं ना, जय वैली में, बाहर माइनस में टेम्परेचर हो चुका है, -1 -2 एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहा। जो टेंट के पास ओस थी ना वो सारी जम चुकी है गाइस, तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे जा चुका है। आज तो सिर्फ हमें मेरा जो स्लीपिंग बैग है माइनस वाला वो ही बचा सकता है। आज उसकी रियल टेस्टिंग होगी कि एक्चुअल में वो काम भी करता है कि नहीं। बाकी अभी इसमें रात को कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, ये मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। तो ये हमारा स्लीपिंग बैग है जो आज हमें ठंड से बचाएगा। इसके नीचे हमने ये फोल्डेबल मैट रखा हुआ है फोम का, वो लाइट है। और इस ब्लॉग को भी लाइक करे बिना मत जाना आप, और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने रिव्यू देना मत भूलना। फाइनली इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं।